नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज़। मैं रिजवी। जेडीयू की मोदी सरकार के सामने अपनी डिमांड जारी। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नई चाल चल दी है। जेडीयू की डिमांड से केंद्र की मोदी सरकार में भारी टेंशन आ सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर से विशेष राज्य की डिमांड तेज कर दी है। सीएम नीतीश के खास और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों में दिल्ली तक मैसेज पहुंचा दिया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत, इस दौरान उन्हें जेडीयू की पुरानी मांग को दोहराया है। अशोक चौधरी ने बोला है कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए केंद्र सरकार को। सभी लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है, इसमें बिहार वासियों का कोई रोल नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे यहाँ खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है, तो ये बिहार का दोष नहीं है। अगर किसी प्रदेश में सोने के खदान है तो या ना तो वहाँ की सरकार की उपलब्धि है और ना ही पब्लिक की। हम लोग भाग्यशाली प्रदेश नहीं हैं, मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो लगातार कई वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार उठाती आई है, लगातार बातें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको किस वजह से नज़रअंदाज करती है, क्या बामामला है, ये तो वो ही जाने। अब आगे देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। इस तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।